नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है आपको छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर हर गली और हर मोहल्ले से। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बेतिया जिला के गौनाहा प्रखंड से, जहाँ रामविलास पार्टी का बैठक प्रखंड अंतर्गत भटियानी चौक पर संपन्न हुआ। प्रखंड में व्यापक भ्रष्टाचार अंचल सब प्रखंड गौनाहा के खिलाफ मोर्चा खोला गया। वही अंचलाधिकारी के द्वारा सरकारी आदेश का धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा। अंचल कर्मचारी की उपस्थिति भी समय अनुसार नहीं हो रही है और प्राइवेट अटॉर्नी के द्वारा अंचल को संचालित किया जा रहा है, जिससे अंचल की गोपनीयता को बहुत बड़ा खतरा है। लोजपा रामविलास प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो ने बताया कि देश संविधान से चलता है, किसी अधिकारी का निजी सोच से नहीं चलता। अंचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अंचल गौनाहा में दाखिल खारिज परामर्श LPC वंशावली बंदोबस्ती जैसे कामों में आम जनता से भारी भरकम लूट की जा रही है और 6 माह से 1 साल तक इन छोटे कामों में समय लगाया जा रहा है। अगर अंचला अधिकारी सबका सुधार नहीं कर पाते हैं तो हमारी पार्टी आंदोलन करने पर बात होगी। मौके पर मौजूद SC ST प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नागेंद्र शर्मा, नंदू पासवान, मोहन पासवान, घनश्याम महतो, अमित यादव, मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कपूर, चंद्र दास, हरेंद्र महतो, लालजी पासवान इत्यादि मौजूद रहे। नरकटेगा से रिपोर्टर अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। 2022 को प्रखंड गौनाहा के अंतर्गत भटियानी चौक पर लोजपा प्रखंड कमेटी का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें जमीन संबंधित भ्रष्टाचार के बारे में हम लोग के पार्टी ने राय मसौदा किया और आम जनताओं के कामों को जो अंचलाधिकारी एवं अंचल कर्मी के द्वारा 6-6 महीना टाला जा रहा है, इसको लेकर हम लोग विरोध व्यक्त किए। हमारी पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है। हम अंचलाधिकारी गौनाहा से मांग करते हैं कि आप सशक्त होइए और आम जनता की कार को गति दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी रोड पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और हम लोग रोड पर उतरेंगे और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय रामविलास पासवान।